हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज केबी में ही अपलोड करना होता है, जैसा कि आपको पता ही। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अपने सिग्नेचर और अपने फ़ोटो की जो है फ़ोटो खींच लेनी फ्रेंड्स, इस तरीके से जैसे मैंने खींच रखी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आपको भी इस तरीके से फ़ोटो खींच लेना एंड सिग्नेचर को भी वाइट पेज पे कर लेना और फ़ोटो खींच लेनी फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है और क्रॉप कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो के बाहर का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने हटा दिया और क्रॉप कर दिया। उसी तरीके से मैंने सिग्नेचर की जो बाहर का एरिया था वो मैंने हटा दिया और क्रॉप कर दिया। आपको भी सिंपली कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है एंड सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है इमेज रिसाइजर। फ्रेंड्स, आपको ऐसे इमेज रिसाइजर लिख के यहाँ पे सर्च कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सबसे ऊपर ये साइड दिखेगी इमेज रिसाइजर के नाम पे, सिंपली इसको क्लिक कर देना एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट इमेज का, इसमें क्लिक करना है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेनी, सिंपली मैं कर ले रहा हूँ अपनी इमेज सिलेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ डन में क्लिक कर देना, ऊपर मिलेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज है वो अपलोड हो चुकी है एंड आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइज का, सिंपली इसमें क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ नीचे साइड में एक रिसाइज का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है एंड आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स से बाय डायमेंशन एंड परसेंटेज। आपको यहाँ परसेंटेज वाले में क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना परसेंट यहाँ पे कम करना है साइज को। एंड मैं यहाँ पे केबी में ही डाल देता हूँ क्योंकि मुझे केबी में चाहिए फ़ोटो, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50 KB एंड 50 KB डालूँगा। यहाँ पर रिसाइज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है आपको नीचे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मेरी फ़ोटो थी वो कुछ इतनी KB की थी एंड इतनी KB की हो गई। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि जो मेरी फ़ोटो वो डाउनलोड हो चुकी है फ्रेंड। इसी तरह आपको अपने सिग्नेचर का साइज कम कर लेना है। उसके लिए आपको फिर से अपने सिग्नेचर का फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड। उसके बाद आपको नीचे रिसाइज का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक कर देना एंड यहाँ डायमेंशन, आपको यहाँ परसेंटेज वाले ऑप्शन में जाना है एंड फ्रेंड से हमें यहाँ पे सपोज 20 KB की फ़ोटो चाहिए तो हम यहाँ 20 लिख दे रहे हैं एंड यहाँ पर रिसाइज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि जो मेरी सिग्नेचर का फ़ोटो है वो रिसाइज हो चुका है। यहाँ देख सकते फ्रेंड्स, 77 KB का था और यहाँ 19 KB का हो चुका है। सिंपली इसको भी यहाँ से डाउनलोड वाले क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स, ये फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।